त्यावेळी एक मोठी बातमी आहे ती पाहूयात. गुजरातमधील भाजपचं मुख्यालय, आरएसएसचं मुख्यालय, विश्व हिंदू परिषदेचं मुख्यालय हे दहशतवाद्यांचं लक्ष्य होतं अशी कबुली आयसिसच्या दहशतवाद्यानं दिली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेल समोर आयसिसच्या दहशतवाद्यानं ही मोठी कबुली दिली आहे. नुकताच पकडलेल्या आयसिसचा दहशतवादी शाहनवाज आलम याच्या कबुलीजबाबत हा मोठा खुलासा झालाय. त्यामुळे गुजरातचं गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, सुरत ही शहरं दहशतवाद्यांची लक्ष्य होती. या संदर्भात अधिक माहिती घेऊयात. आमचे प्रतिनिधी शंकर आनंद आपल्या सोबत आहेत. शंकर, क्या जानकारी इस बारे में? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े एक मॉड्यूल की तफ्तीश की जा रही थी और इसी तफ्तीश के दौरान में शहनवाज नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था. इसकी गिरफ्तारी हालांकि 2 अक्टूबर 2023 को हुई थी, यानी पिछले साल अक्टूबर महीने में हुई थी. और इस आरोपी से जुड़ा हुआ जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया गया और इसी के बाद जो एक IR तैयार हुआ, यानी कि इंटोगेशन रिपोर्ट जो तैयार किया गया है, उसकी एक कॉपी केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB और केंद्रीय जांच एजेंसी NIA को भी दिया गया है. और शहनवाज का जो संपर्क है वो महाराष्ट्र मॉड्यूल से जुड़े हुए कई मामलों में इसका नाम सामने आया था और उसके बाद जांच एजेंसी NIA के साथ साथ पुणे पुलिस भी इसकी तफ्तीश कर रही थी. लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा ये है कि इसने इस बात को कबूला है, जैसा कि उसने एक लिखित तौर पर बयान भी स्पेशल के सामने दिया कि वो उस महाराष्ट्र के कई लोकेशन के रेकी पहले कर चुका है, खासकर पुणे में विशेष तौर पर रेकी किया था, पुणे और मुंबई में पुणे के जो कई भीड़भाड़ का लोकेशन है वहां पर रेकी किया, गुजरात का बड़ोदरा, अहमदाबाद और सूरत में उसने जाके रेकी किया. और आईडी बना करके जिस तरह से उसकी टेस्टिंग की बात हो रही है तो आईडी विस्फोटक की जो टेस्टिंग है उसने राजस्थान और हरियाणा के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उस जगह पे उसने जाके टेस्ट किया था और विस्फोटक बनाया. और उसके बाद राजधानी दिल्ली में रहने के दौरान में वो एक बड़े वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था. तो इसका कनेक्शन जो है, शहनवाज का जो कनेक्शन है वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड से इसका पूरा कनेक्शन निकल के सामने आया और इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में इसको गिरफ्तार किया गया था. लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से इस मामले में विस्तार से पूछताछ की गई, इसका इंट्रोगेशन रिपोर्ट बनाया गया, उसी के आधार पर यह खुलासा हुआ है कि ये बम बनाने में माहिर है और ये कई लोकेशन पर रेकी करने के दौरान में खासतौर पर जो VVIP नेता जो है उसका इसने रेकी किया और एक बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में था. लेकिन उसके पहले ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को इस मामले की जानकारी मिली और स्पेशल सेल के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया. तो कहा जा सकता है कि फिलहाल इस मामले में आगे की तफ्तीश का जो दायरा है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और आने वाले दिनों में इस मामले में महाराष्ट्र और गुजरात से कुछ अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी संभव है. शंकर, शुक्रिया इस सब जानकारी के लिए.